यहाँ पे का टाइप करके एंटर करूंगा तो एक्सेल खुलेगा। इसी को कहते हैं एक्सेल, आपको मालूम था। चलिए जी, कहाँ तक पढ़ा दिया था ये? फाइंड पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? फाइंड माने खोजना होता है, जैसे मालूम होगा आपको, मैं बताया था आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है? तो वही फाइंड माने खोजना है। यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे फाइंड करो कुछ, या रिप्लेस कर दो, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आया, फाइंड बटन पे क्लिक किया, 44 पे क्लिक किया, कर दिया फाइंड करो, तो बोल दिया ये देख लो है। या फिर नीचे भी बता दिया कि ये देख लो है, सीट वन में, वर्कबुक वन में, ठीक है? फिर उसके बाद मान लो मैं 5, 6, 6, 5 किया, फाइंड डाल किया, तो यही बता रहा है कि यही देख लो है, ठीक है? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला रखा होता तो भी वो मिल जाता, ठीक है? अब क्लिक किया ऑप्शन में तो ये भी खुल गया, बोल रहा है मैथ कैसे करूं कि ना करूं, कौन से सीट में, या फिर कौन से वर्कबुक में, या फिर बाय रो, बाय कॉलम, ठीक है, बाय फार्मूला, ठीक है? तो फार्मूला के अकॉर्डिंग भी आप खोज सकते हो। यहाँ पे फार्मूला समझ रहे हो, बताया था, जो इक्वल टू का साइन देके लिखते हैं, ठीक है? या फिर वैल्यू या कमेंट वगैरह के आधार पे, ठीक है? तो वही ऑप्शन है ये। रिप्लेस माने क्या, जैसे मान लीजिए इसके जगह पे मैं 10 करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या रिप्लेस, ठीक है? तो यहाँ पे 10 हो गया, यही है, बाकी तो कुछ रखा नहीं है, ठीक है? ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो वही आएगा फिर, ठीक है? तो यही है फाइंड रिप्लेस में। गो टू है, गो टू में क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कुछ है नहीं, अभी कुछ बनाया नहीं है, टेबल बुकमार्क को बाकी कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, रेफरेंसेस पे, इसीलिए कुछ आ नहीं रहा है इसका, ठीक है? कमेंट या कांस्टेंट में, किसी फॉर्मूला में गो टू करना है, डिफरेंट रो में, ठीक है? तो वही है गो टू का मतलब, और कुछ है नहीं, ठीक है? बाकी उसके बाद गो टू स्पेशल, ठीक है? तो गो टू स्पेशल में ही ये खुलेगा, आपको ब्लैंक में जाना है कि कहाँ जाना है, ठीक है? या डेटा वैलिडेशन कहीं किया है तो वहाँ पे जाना है, ठीक है? तो ये सीट तो पूरा खाली है, तो इसलिए जो है कोई मतलब नहीं है जाने का अभी, ठीक है? कोई कमेंट में किया रहता तो कमेंट में जाता, ठीक है, लेकिन है नहीं। कांस्टेंट भी मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है? फॉर्मूला बोल रहा है नो सेल वेयर फाउंड, फॉर्मूला कहीं लगा ही नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, नीचे लिख दिया 20, और यहाँ पे आया और कर दिया ऑल्ट इक्वल टू एंटर, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने जोड़ दिया, ठीक है? तो अब मैं क्लिक करूँगा फॉर्मूला पे, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया कर्सर। जैसे यहाँ पे इस 10 को यहाँ पे लाना है मेरे को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्लिक किया और एंटर मारा तो आ गया, ठीक है? इसको पकड़ के खींचूँगा तो ये देखिए नीचे आ गया, वही भरा गया पूरा, ठीक है? यहाँ पे A2 लग गया, यहाँ पे A3 लग गया, ठीक है? तो इसी को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा वो, ठीक है? अब मैं फॉर्मूला पे जाकर क्लिक मारूंगा तो देखिए सारा हाईलाइटेड हो गया, फाइंड कर लिया कि यहाँ यहाँ फॉर्मूला लगा है, ठीक है? जैसे मान लो अभी थोड़ी पता चल रहा है कि मैं कहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा के क्या लाया हूँ, वो तो मैं लगाया हूँ, आपके सामने लगाया हूँ, तो आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे फार्मूला लगा है। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा है, यहाँ पे फार्मूला लगा है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पता चलेगा, ठीक है? अब तो गायब हो गया होगा वो फार्मूला, इस पर क्लिक करूँगा तो आएगा, ठीक है? तो वही फार्मूला को फाइंड करता है ये, ठीक है? उसके बाद जैसे यहाँ पे कमेंट में राइट क्लिक करूँ, कमेंट इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कमेंट, ठीक है? कुछ अच्छा लिखा कर दिया, इधर आ गया, फिर यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट पे आया, कुछ और लिख दिया ऐसे, ठीक है? और फिर यहाँ पे आके कमेंट में क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है यहाँ कमेंट है, यहाँ कमेंट है, ठीक है? तो इसी तरह ये कमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, कैसे लगेगा, स्टाइल में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाऊँगा, ठीक है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन कर दे रहा हूँ, ये ग्रेटर देन हो 100 से तो क्या होना चाहिए, यही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी कोई फॉर्मूला लगा नहीं है, अरे फॉर्मूला तो लगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हूँ मैं, ये देखिए 100 से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आएगा, ठीक है, लेकिन 100 से नीचे या 100 रहेगा तो कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पता तो नहीं चल रहा है ना कि यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा है, तो वो पता करना है तो यहाँ पे आइए और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्सर चला गया, यहाँ पे भी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर लगा होता तो यहाँ पे ये भी आता, ठीक है, कुछ भी मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो देखिए ये भी हाईलाइटेड है और यहाँ पे कर्सर है मेरा, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, बाकी तो कुछ है नहीं, कॉन्स्टेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जिसका वैल्यू बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ऐसे ही हार्ड कोड किया हूँ, कॉन्स्टेंट लिख दिया हूँ 100, यहाँ पे 20 लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो इन दोनों को मैं जोड़ करके यहाँ पे लाया हूँ ना, ये वैल्यू तो बदल सकता है, यहाँ पे कुछ लिख बदला तो मैं, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसी डेटा को मैं यहाँ शो कराया हूँ फॉर्मूला लगा के, तो ये भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा के देखिए इक्वल टू कसाइन के साथ आ रहा है A2, तो ये भी फॉर्मूला लगाया हूँ, ये भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट जितना है उतना को फाइंड कर रहा है, जैसे आपको पता लगाना है कि कहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू सिर्फ लिखा हूँ मैं, तो यहाँ से आप फाइंड करके पता लगा लेंगे कि ये देखिए ये 2 है, ठीक है, डेटा वैलिडेशन नो फाउंड। मान लीजिए यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ, ठीक है, डेटा वैलिडेशन वगैरह इन सबको मैं हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एनी वैल्यू लिखा है, मैं कर दिया नंबर आना चाहिए, बोल रहा है बिटवीन, मैं कर दे रहा हूँ बिटवीन 1 से लेकर के 100 तक ही गिनती आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैं 101 डालूंगा ना, तो ये वैल्यू जो है बोल रहा है कि नहीं आएगा, ठीक है, देखिए यही आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया, पर ऐसे देखने से तो पता नहीं चलेगा ना, तो फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, डेटा वैलिडेशन में क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कर्सर आ गया, और इसमें भी अगर डेटा वैलिडेशन में लगा दूंगा तो क्या होगा, हाईलाइट करेगा इसको, ठीक है। ये देखिए कुछ भी मैं नंबर कर दिया 10, ओके, ठीक है। अब मैं आऊँगा होम पे, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया, तो देखिए ये हाईलाइटेड हो गया, ये हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि इन दोनों जगह पे लगा हुआ है डेटा वैलिडेशन। ये क्या बोल रहा है, योर कंप्यूटर इम्पोर्टेंट, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं रिस्टार्ट मारूंगा पोर्टफोन, नहीं इतना मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का, ठीक है। तो यही है आपका फाइंड वगैरह का ऑप्शन है, सेलेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पेन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पेस्ट को देख लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। ये पेस्ट का मतलब क्या है, या फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एक तो नॉर्मल पेस्ट है, दूसरा है पेस्ट स्पेशल। ये क्या मतलब है पेस्ट स्पेशल का, देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ मैं कर दूंगा 10, 20, यहाँ पे कर दिया 30, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट कमेंट, ऐसे कुछ भी मैं लिख दिया, कोई सेंस नहीं बनता इसका, लेकिन मैं लिख दिया, ठीक है। और क्या कर दूँ, इसमें मैं फॉर्मेटिंग लगा दिया, इसमें ये कलर डाल दूंगा, ये देखिए डाल दिया, और यहाँ पे उन सबको जोड़ के ले लाऊंगा, ऑटो सम कर लूँगा, ऑल्ट इक्वल टू दबाऊंगा तो ऑटो सम के लिए फार्मूला लग जाएगा, फिर एंटर मारूंगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया और किया कंट्रोल सी दबा के कॉपी, ठीक, यहाँ आता हूँ पेस्ट करूँगा, तो देखिए नॉर्मल तरीके से पेस्ट हो गया, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आ गया नॉर्मल तरीके से, देखिए फॉर्मूला भी लगा है, यहाँ पे 30 था तो वो है, ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से जो पेस्ट होता है वो हो गया पेस्ट, ठीक है।
लेकिन मैं इसको आऊंगा यहाँ पे, एक क्लियर को मैं बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था, ऑल क्लियर, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक, बताया था नहीं बताया था, मुझे याद नहीं, हाँ बता दिया था, नहीं बताया था, बता दिया था, चलिए बता दिया तो अच्छी बात है, बता दूं फिर से, ओ मतलब और टाइम मेरा लगेगा, ठीक है ठीक है, पेस्ट स्पेशल को बता लेता हूं तो फिर क्लियर को बता देता हूं, ठीक है। तो क्लियर वहां से मैं कर दिया डिलीट मार के टोटल, ठीक है। फिर से मैं यहां पे आऊंगा, फिर से किया कंट्रोल सी, ठीक है। यहां पे आता हूं तो कुछ ऑप्शन देखिए यहां पे दिख रहा है, ठीक है। यहां पे आऊंगा तो वो वही नॉर्मल पेस्ट है, यहां पे आऊंगा तो क्या करेगा, फॉर्मूला को पेस्ट करेगा, ठीक है। यहां पे मैं आया और यहां पे आया और कर दिया येलो, ठीक। कॉपी कर लिया था ना, पेस्ट में था मैं अभी। ये बोलता है कि मैं फॉर्मूला पेस्ट करूंगा, राइट। तो ये देखिए यहां पे आया मैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नॉर्मल पेस्ट किया है, यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट किया, फॉर्मेटिंग वगैरह को नहीं पेस्ट किया है, ठीक है। तो यही इसका सत्य है, ठीक है। उसके बाद पीछे, उसके बाद मैं कॉपी कर लिया, इधर पे आऊंगा मैं, ठीक है। फिर यहां पे ये क्या बोल रहा है, फॉर्मूला एंड्स नंबर फॉर्मेट्स, ठीक है, क्लिक कर दिया मैं, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, जनरल ही आया है, ठीक है। मैं क्या किया, इसको पकड़ के यहां पे आया और कर दिया नंबर, ठीक। और इन सबको क्या करूंगा ना मैं, क्या बोलते हैं इसको, खत्म ऐसे, ठीक है। फिर से मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पे आऊंगा। अभी देखो जनरल फॉर्मेट है पूरा, नीचे यहां पे आऊंगा मैं, कर दूंगा क्लिक, ठीक। ये देखिए, तो इसमें मैंने नंबर फॉर्मेट किया था ना, तो नंबर फॉर्मेट इसमें भी आ गया और फॉर्मूला भी पेस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो लाल पीला किया हूं वो जो है नहीं पेस्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर ऑल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट होता है एक्सेल का, ठीक है। मैं फिर से इसको क्या करूंगा, ये क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। यहां पे आया, यहां पे आया और क्लिक कर दिया इस पे, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, कमेंट भी ले लाओ, ठीक है, फॉर्मूला भी ले लाओ, नंबर जो फॉर्मेट था वो भी ले लाओ, और ये जो लाल पीला फॉर्मेटिंग में बना था वो भी ले लाओ, ठीक है। इसमें कोई डेटा वैलिडेशन भी यूज कर दूं क्या, मैं डेटा वैलिडेशन यूज करूंगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक मैं यूज कर देता हूं यहां से आके, ठीक है, इस डेटा वैलिडेशन का तो कोई मतलब नहीं है, पर मैं कर दे रहा हूं बिटवीन, ठीक है, ये लीजिए, डेटा वैलिडेशन भी यूज हो गया इसमें, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऑल क्लियर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसको करूंगा मैं कंट्रोल सी, यहां पे आऊंगा, ठीक है, और इस पे आके कर दूंगा एंटर, ठीक है। क्या हुआ, डेटा वैलिडेशन भी यूज हो रहा होगा इसमें। मैं फाइंड करता हूं कि वैलिडेशन कहां कहां पे है, ठीक है, डेटा वैलिडेशन, ये देखिए एक यहां पे है, एक यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे पेस्ट हो गया वैलिडेशन भी, ठीक है, ये देखिए अब नहीं लेगा, कैंसिल कर दूंगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो वैलिडेशन भी पेस्ट कर दिया ये, ठीक है, इसको यहां पे आया, ऑल क्लियर कर दिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबा के ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहां पे आया। एक क्या बोल रहा है, नो बॉर्डर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा ना कि ऑल बॉर्डर में करके रखता हूं अभी, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दिया हूं। अब इसको आके करूंगा कॉपी, यहां पे आके सिंपल पेस्ट कर दूंगा तो बॉर्डर भी आ जाएगा, सारा चीजें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि फिर से इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे आऊंगा, पेस्ट करो लेकिन बॉर्डर नहीं होना चाहिए,
सारा सब कुछ पेस्ट कर दिया, डेटा वैलिडेशन भी पेस्ट कर दिया, कमेंट भी पेस्ट किया, फॉर्मेट भी पेस्ट किया, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे पेस्ट किया है सब वाला, लेकिन इसमें जो टेबल था वो नहीं पेस्ट किया है, ठीक है, तो टेबल को नहीं पेस्ट किया है तो वो नो बॉर्डर का मतलब था, ठीक है। जैसे आपको मान लो जरूरत पड़ता है कि पूरा डेटा मैं पूरा कंटेंट कॉपी करूं टेबलर फॉर्म, लेकिन टेबल उसमें जो बना है वो टेबल ना कॉपी हो, ठीक है, तो वही है आपका, ये क्या है, कीप सोर्स विड्थ, ठीक है, इसको मैं करूंगा ऐसे, इतना कर दिया विड्थ, ठीक है। अब मैं फिर से कर लिया इसको कॉपी, जरूरत तो था नहीं लेकिन मैं कर दिया, अब यहां पे आया, ठीक है, यहां पे आऊंगा, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, सब कुछ तो कॉपी हुआ ही, लेकिन एक कॉलम का जितना विड्थ था उतना ही विड्थ इस कॉलम का भी कर दिया, कर दिया ना, तो यही है इसका मतलब, बाकी कुछ खास नहीं है, ये विड्थ वाला है, ठीक है। इसके बाद इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाया, सिलेक्ट किया और ऑल क्लियर किया, क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पे मैं आऊंगा, ठीक है, सबको फिर से कॉपी करूंगा, फिर यहां पे मैं आऊंगा और यहां पे आऊंगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है ट्रांसपोज का, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आता हूं इस विंडो में, ठीक है, कुछ टाइप करूं इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये कॉलम में अभी मैं लिखा हूं ना, इसको मेरे को रो में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिख करूंगा, इधर रो में ऐसे पेस्ट करना है कॉपी करके, ठीक, तो कंट्रोल सी दबाए कॉपी करूंगा, यहां पे आऊंगा, यहां पे आया और यहां पे आया, ये देखिए आया ऑप्शन ट्रांसपोज, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अब कॉलम फॉर्मेट में हो गया, ये रो में था, ठीक है, लेकिन ये कॉलम में आ गया, ठीक है। या फिर इसी को मैं फिर से करता हूं सिलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाया, पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी किया, यहां पे आया और इस पे आया और कर दिया ट्रांसपोज, फिर इस पे क्लिक किया तो ये फिर से कॉलम फॉर्मेट, रो फॉर्मेट में आ गया, या कॉलम जो कह लो आप, ठीक है, लेकिन ये देखिए फिर से ऐसा पेस्ट हो गया, ठीक। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। आगे चले और क्या क्या है इसके अंदर, फिर से मैं इसको कॉपी किया, इसमें आऊंगा, ये वाला तो सेक्शन खत्म हो गया ट्रांसपोज, ये है, ये बोल रहा है पेस्ट वैल्यूज, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको क्लिक करूंगा और कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, खाली वैल्यू को पेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा था ना, सम वाला फॉर्मूला लगा है ना इस पे, लेकिन यहाँ पे आया तो कुछ फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन मैं 20 में किया था, लेकिन यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो खाली वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक, समझ रहे हो, सिर्फ वैल्यू का मतलब, खाली वैल्यू पेस्ट करेगा इसका, ना फॉर्मेटिंग पेस्ट करेगा, ना कमेंट पेस्ट करेगा, ना डेटा वैलिडेशन पेस्ट करेगा, ना कुछ करेगा, ना ही फॉर्मूला को पेस्ट करेगा, सिर्फ वैल्यू को पेस्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्का, देखो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को तो घाटा इससे होगा नहीं, मैं तो अपना कॉलम पूरा ही कर दिया, लेकिन आप नहीं पूछोगे तो आप खुद को धोखा दे दोगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है, बता रहा हूं, ये देख लो, यहां पे आ रहा हूं तो यहां पे नंबर है ना, यहां पे आ रहा हूं, ये जनरल अभी यहां पे फॉर्मेट है इस सेल का, यहां पे आके कर देता हूं इस वाले पे क्लिक, तो अब क्या किया, वैल्यू तो पेस्ट किया ही है सिर्फ उसका, ठीक है, सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट किया है, लेकिन नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट कर दिया पूरे सेल का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, चलिए जी आगे चले, फिर से इसको कॉपी कर रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट कितना बड़ा है ना, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या मजाक है, फिर इसमें मैं आता हूं, फिर बोल रहा है, बोल रहा है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब है, वैल्यू तो कॉपी करे लेकिन सोर्स का जो फॉर्मेटिंग है वो सारा कर ले, ठीक, मतलब क्या, मतलब ये किसमें लाल है, फिर कुछ और कलर है, कमेंट है, इन सबको वो कर ले, पेस्ट कर दे, लेकिन सिर्फ वैल्यू करे, फॉर्मूला को ना पेस्ट करे, ठीक, क्लिक मारा, पेस्ट हो गया, ये देखिए यहां पे फॉर्मूला लगा है ना 60 वाले में, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं लगा है, तो फॉर्मूला को पेस्ट नहीं किया, फॉर्मेटिंग को बल्कि पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ये देखिए वैलिडेशन को पेस्ट कर दिया, ठीक है,
ये जो है, लेकिन फॉर्मूला को जो है पेस्ट नहीं किया ये, ठीक है, तो फॉर्मूला को पेस्ट नहीं करेगा। ठीक, आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो चीजें समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ऐसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारा बता ही दूं, लेकिन कुछ छूट जाएगा तो पूछ लेना। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद ये आता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहां पे मैं आया, देखना ध्यान से, क्लिक कर दिया इस पे, अब क्या हो गया जी, कुछ नहीं पेस्ट हुआ, इसको कोई पेस्ट भी बोला जाता है? हाँ, इस पेस्ट का क्या मतलब है, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, फॉर्मेटिंग पेस्ट हुआ है। यहाँ पे रेड था, यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो रेड में आएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट था नहीं, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट था नहीं, फॉर्मेट था तो क्या फॉर्मेट था, नंबर फॉर्मेट था ना, ये इस सेल का फॉर्मेट नंबर था, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा, बाकी कुछ पेस्ट नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करोगे, जैसे मान लो आपने कुछ टेबल बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मान लो लंबा चौड़ा ऐसा टेबल आपने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नेम लिखा है, नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, और इसमें फॉर्मेटिंग भी दिए हैं, नेम में क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, ठीक है, नेम में टेक्स्ट आएगा, तो इसको ऐसे आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट किया, इसको कर दिया आपने टेक्स्ट, ठीक है, क्लास में भी टेक्स्ट आएगा, ठीक है, मैं शिफ्ट डाउन एरो करके सेलेक्ट किया, टेक्स्ट कर दिया इसको फॉर्मेट, ठीक है, फिर रोल नंबर में क्या आएगा, रोल नंबर में नंबर आएगा, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, नंबर, नंबर फॉर्मेट कर दिया, बाकी ये जो है इसको मैं कर दूंगा क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है, हो गया। ये देखिए, प्रीव्यू करूंगा तो ऐसा आएगा। अब मान लीजिए कि इसमें कुछ डेटा मैंने लिखा है, ठीक है, ये देखिए नंबर में आ गया है, अभी इसमें वैलिडेशंस वगैरह मैंने नहीं लगाया तो टेक्स्ट भी आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे मैंने लिखा, ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग किया है ना, बॉर्डर वगैरह किया है मैंने, इसको मैं पकड़ के खींच लूंगा ऐसे, तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको कॉपी करूं ऐसे कंट्रोल सी, और यहां पे मैं पेस्ट कर दूं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, पेस्ट तो करूं लेकिन सिर्फ टेबल आए, पूरा ढांचा आ जाए, ठीक है, मेरा जो डेटा था वो मत आए, तो क्या होगा, यहां पे मैं आऊंगा और क्या कर दूंगा, यही है ना फॉर्मेटिंग, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है, टेबल आ गया, पूरा फॉर्मेटिंग आ गया, लेकिन बाकी चीजें कुछ नहीं हुआ, बाकी चीजें कुछ नहीं आया, ठीक है, तो यही इसका मतलब है, ठीक है, आगे चलें। चलो जी, फिर से कुछ मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे आऊंगा, फिर ये क्या है, पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक से क्या मतलब है, मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूं, एंटर मार दिया, एंटर मेरे को मार के नहीं पेस्ट करना चाहिए था, मैंने गलती कर दिया, डिलीट, कंट्रोल सी, यहां पे आऊंगा, ये देखिए सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंट्रल आर चॉइस पेस्ट, तो ये बोल रहा है कि एंटर मारोगे तभी मैं पेस्ट कर दूंगा, तो नॉर्मल पेस्ट करेगा वो, ठीक है, तो एंटर मारा था इसीलिए वो पेस्ट किया था, अब यहां पे आके मैं क्लिक कर दिया, ठीक है, यहां पे तो पेस्ट किया है लेकिन सिर्फ लिंक पेस्ट किया है, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या है, मतलब इसका ये है कि यहां पे जो डेटा है उस डेटा का यहां पे सेल एड्रेस को पेस्ट किया है, ये देख लीजिए यहां पे दिख रहा है ना, यही है, ठीक है, ये देख लीजिए इसमें भी ये सेल एड्रेस को पेस्ट किया है, खाली ये देखिए इसमें भी सेल एड्रेस को पेस्ट किया है, अब इससे क्या फायदा होगा, यहां पे कुछ लिखूंगा तो यहां अपने आप आ जाएगा, यहां पे कुछ लिखूंगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, वैलिडेशन लागू है तो 50 करूंगा तो यहाँ अपने आप आ जाएगा, यहाँ कुछ लिखूंगा अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे सम अपने आप करके यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ठीक है, तो यही है, बाकी तो इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, तो यही है इसका पेस्ट एज अ लिंक का मतलब, समझ में आ गया आप लोग को, पेस्ट एज अ लिंक को आप चाहें तो वैसे भी कर लो, यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक करो, मार दो एंटर, और फिर इसको क्लिक करो, इसको पकड़ के कर लो खींच, खींच लो, वैसा ही आ गया यहाँ पे भी, ये देख लो सेल एड्रेस में, आप सेल एड्रेस आ गया पूरा ना फॉर्मूला बार में, तो यही है इसका मतलब, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, ऑल क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं इसको करूंगा कॉपी, फिर से यहाँ पे आऊंगा, ये क्या बोल रहा है, पिक्चर, ठीक है, मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे आके कर दिया क्लिक, अब क्या हुआ, ये डेटा नहीं है, ठीक है,
ये फोटो के जैसा है, ठीक है, ये फोटो हो गया, ठीक है, ये फोटो प्रिंट हुआ है, ठीक है, प्रिंट बोल रहा हूँ, ये फोटो पेस्ट हो गया है, ठीक है, ये देखिए जैसे फॉर्मेट पिक्चर कुछ करूंगा मैं इसमें, तो ये फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी हो जाएगा पिक्चर्स का, ठीक है, तो ये फोटो के रूप में पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए जी, मैं डिलीट किया, फिर से इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, फिर इसमें आता हूँ, फिर यहाँ पे लिखा है लिंक्ड पिक्चर, ठीक है, पिक्चर के रूप में पेस्ट तो करो लेकिन क्या करो, लिंक करो, ठीक है, जैसे पहले किया था ना वही वाला है, ये देखिए, ठीक, अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक करके पांच करके एंटर किया तो इसमें पांच आ गया, ठीक है, तो ये फॉर्मेट ये देख लीजिए यहां पे भी रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इस तरह का पेस्ट कर दिया ये, ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, फिर यहाँ पे कंट्रोल सी करके कॉपी किया, फिर यहाँ पे आऊंगा, ये सब तो खत्म हो गया, अब पेस्ट स्पेशल, इसका शायद शॉर्टकट की मुझे अगर याद है तो कंट्रोल अल्ट वी, हाँ कंट्रोल अल्ट वी इसका शॉर्टकट की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आऊंगा कंट्रोल ले पेस्ट स्पेशल, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, ऐसे तो पूरा फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया, जो यहाँ ऊपर आप लोग देखे थे ना वही वाला है, कुछ एक्स्ट्रा होगा इसमें तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कॉपी किया इसको, ठीक है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, वैल्यू में क्लिक करूंगा तो खाली वैल्यू प्रिंट वो पेस्ट कर देगा, फॉर्मेट में क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट को करेगा, कमेंट में क्लिक में कर दे रहा हूं तो ये खाली कमेंट को पेस्ट किया है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में तो आ ही गया होगा, ये आ गया ना। फिर मान लीजिए यहां पे आया, ठीक है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, ठीक है, फॉर्मेट्स में क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट खाली प्रिंट कर दिया, यहां पे सेल का वैलिडेशन लगाया, वैलिडेशन पेस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट किया है, देखा आपने, यहां पे मैं कुछ भी टाइप कर दिया तो ले लिया, वैलिडेशन तो लगा था कि 100 तक ही ले ना, तो नहीं वैलिडेशन पेस्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे आता हूं मैं, ठीक है, पेस्ट स्पेशल, ठीक है, वैलिडेशन में मैं क्लिक करके कर दूंगा ओके, तो यहां पे वैलिडेशन पेस्ट किया होगा, यहां पे ये देखिए वैलिडेशन आ गया ना, फॉर्मेट नहीं आया पर वैलिडेशन पोस्ट वैलिडेशन पेस्ट कर दिया है, ठीक है, बाकी फॉर्मेट्स नहीं किया है पेस्ट, ठीक है, तो यही है इसका मतलब। बाकी फिर से कॉपी करें, ठीक है, फिर राइट क्लिक करता हूं मैं पेस्ट स्पेशल, पेस्ट नहीं हुआ क्या, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, पेस्ट स्पेशल करूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या, आल यहाँ पे लिखा है आल यूजिंग सोर्स थीम, सब कुछ सोर्स वाला कर देगा, ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये नॉर्मल पेस्ट, ठीक, नॉर्मल पेस्ट कर देगा ये, जैसा सब कुछ जो जो रहेगा, ठीक है, वैलिडेशन वगैरह सारा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला भी पेस्ट किया है, वैलिडेशन भी पेस्ट किया होगा, ये देखिए किया है ना सब कुछ, तो यही मतलब है इसका। फिर से कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर, ठीक, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, बॉर्डर कर देगा, ठीक है, ये बॉर्डर बोल रहा हूँ, हटा दिया बॉर्डर को, ठीक है, और बाकी सब कर दिया पेस्ट, बॉर्डर को छोड़ के, पिछले बार में क्या था, बॉर्डर को लाया था ना, बॉर्डर को नहीं लाया था, मेरे को तो याद नहीं, लाया ही होगा क्यों। फिर पेस्ट स्पेशल करूंगा, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, इसको बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, फिर कॉपी करूंगा, अब यहां पे आता हूं और राइट क्लिक करके करता हूं पेस्ट स्पेशल, ये क्या करेगा, सिर्फ विड्थ को पेस्ट कर देगा, कर दे, ये देखिए सिर्फ विड्थ को पेस्ट कर दिया वो, ठीक है, डेटा वेटा कुछ नहीं लाया, जितना विड्थ था उतना वो पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो यही इसका मतलब है। फिर से देखते हैं और क्या है पेस्ट स्पेशल में जी,
फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला को भी पेस्ट कर देगा, नंबर को फॉर्मेट को भी पेस्ट कर देगा, बाकी कुछ पेस्ट नहीं करेगा। ये देख लीजिए, ये देखिए, वैलिडेशन को भी पेस्ट नहीं किया लेकिन सम वाला जो फॉर्मूला था वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, नंबर का फॉर्मेट था वो नंबर फॉर्मेट ये देखिए यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, तो यही है इसका मतलब जी, बाकी तो कुछ है नहीं और। ठीक है, फिर से कॉपी में करता हूँ। ठीक है, फिर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, इसमें क्या होगा, वैल्यू को खाली पेस्ट, वैल्यू को पेस्ट करेगा और नंबर को, नंबर फॉर्मेट को। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह बाकी कुछ भी पेस्ट नहीं करेगा। दिखा दूं करके, दिखा दे रहा हूं, ये देख लो, फॉर्मूला नीचे था पेस्ट नहीं किया, वैलिडेशन यहां था पेस्ट नहीं किया, नंबर फॉर्मेट देखिए पेस्ट किया है। ठीक है, तो जो मैं पेस्ट कर रहा हूं ना, आप जब काम करते रहोगे तो इसका इस्तेमाल काफी जरूरत पड़ता है ऐसा। ठीक है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर लिया करोगे, और प्रैक्टिकल इसका कर लेना जरूर, नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, भूल जाओगे आप नहीं करोगे तो। ठीक है, तो ये पेस्ट, ये वाला सेक्शन तो पूरा हो गया। ट्रांसपोज वाला तो बताया था ना, रो और कॉलम को अलग अलग करने का, रो में है तो कॉलम में पेस्ट करेगा, कॉलम में है तो रो में पेस्ट करेगा, वही वाला है ये ट्रांसपोज जो आपको दिखाया था। पेस्ट लिंक है, लिंक पेस्ट मैंने यहां से दिखाई दिया था लिंक वाला। ठीक है, बचता है ये दो ठो। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको दिखा दे रहा हूं क्या है, इसको भी मैं क्लिक करता हूं, कर देता हूं ऑल क्लियर। ठीक है, यहां पे लिख दिया 10 एंटर, 20 एंटर। ठीक, यहां पे लिखता हूं 10 एंटर, 20 एंटर। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, यहां पे आया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, और यहां पे आऊंगा, देखिएगा, कर दिया ऐड। ऐड मतलब क्या, जोड़ना। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि जोड़ दो, कैसे, अब यहां पे मैं कर्सर लाके पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 10 इसमें जाके जुड़ेगा तो 10 10 20 हो जाएगा, और ये 20 इसमें आके जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा। ठीक, हो जाना चाहिए, देख लेते हैं, देखिए 20 और 40 कर दिया, तो यही है इसका मतलब। ठीक है, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है। फिर से मैं इसको यहां पे आके कॉपी किया कंट्रोल सी से। ठीक है, फिर से यहां पे आया, राइट क्लिक किया, या फिर दोनों को सिलेक्ट करके भी मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐसे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगा। अब क्या कर दूंगा, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट है, मतलब घटा दो। ठीक है, अगर घटा दिया तो फिर से ये आधा आधा हो जाएगा ना। चलिए जी, घटा देता हूं मैं, क्लिक कर देता हूं, ओके, 10 हो गया और ये 20 हो गया, घट गया, कितना घटा, इतना घटा, 10 घटा और 20 घटा। ठीक है, इसका मतलब तो यही है अब। ठीक है, यहां मैं कर देता हूं 2, इसके नीचे कर देता हूं 3। ठीक है, अब इन सबको मैं करता हूं कॉपी। ठीक है, और यहां पे आया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे मल्टीप्लाई लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई पे क्लिक करके कर दूंगा ओके। ठीक, 10 दुना 20 होता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया, और फिर 20 यहां पे पहले से था तो 20 दिया 60 होता है ना, तो यहां पे 60 कर दिया। ठीक, तो यही है मल्टीप्लाई का मतलब। फिर से मैं कॉपी किया 2 और 3 को यहां पे। ठीक है, और फिर से इन दोनों को सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल किया, और क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखना क्या होता है जी, जितना था फिर से उतना ही आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया 60 को, ठीक है, तो 20 आ गया, 10 को डिवाइड कर दिया तो 20 को डिवाइड कर दिया 2 से तो 10 आ गया। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, बाकी पेस्ट स्पेशल में और भी कुछ बचा है क्या, देखते हैं क्या बचा है। अब कंट्रोल सी, यहां पे आता हूं, और क्या बचा है, मल्टीप्लाई, ये वाला बच गया ना, स्किप ब्लैंक दिखा रहा हूं, ये है क्या, जैसे मान लीजिए यहां पे ले लीजिए नेम क्लास MOBILE मोबाइल। ठीक है, नेम में डाल दीजिए अमित, क्लास में डाल दीजिए DCA, मोबाइल नंबर में डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, डाल दीजिए DCA,
फिर और क्या डाल दूँ, सुमित, ठीक है। और कोई नाम बताओ, मोहन लिख देता हूँ, इसको डाल देता हूँ पी जी डी डी सी ए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हुआ ये कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सुमित था ना, अपना मोबाइल नंबर बदल दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर जो है बदल दिया, ठीक ना। या फिर मान लो यहाँ पे मैं नहीं बदल रहा हूँ, एंटर कर दिया, ठीक है, इसका कुछ नया मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बदला मोबाइल नंबर, उसका न्यू मोबाइल नंबर क्या है, MOBILE, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ नया मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये जो है अमित जो है बदला नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ता हूँ यहाँ पे, ये बदल दिया है तो कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये जो था ये भी नहीं बदला है, तो इसका भी ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ से मैं पूरा पकड़ूंगा, नीचे सिलेक्ट किया, कर लिया कॉपी, और फिर यहाँ पे आया ऐसे, और यहाँ पे आऊँगा पेस्ट स्पेशल, ठीक है, ऐसे आया राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे देखना, ये देख लो, स्किप ब्लैंक पे क्लिक किया, कर दिया मैं ओके, ठीक। तो जो ये मोबाइल नंबर था, नीचे वाला जो था और ऊपर वाला था, वो तो जैसा का तैसा है, लेकिन नीचे वाला था वो अपडेट हो गया। तो यही मतलब है आपका, क्या कहते हैं, स्किप ब्लैंक या फिर जो भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पेस्ट स्पेशल इस तरह से ख़त्म हो गया, आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना। उसके बाद क्या इसको बताना था ना, इसको बता दूँ, इसमें कुछ रखा नहीं है यार, कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको बॉर्डर कर देता हूँ, फॉर्मेट भी कर देता हूँ, आता हूँ मैं इस पे, ऑल क्लियर पे करूँगा तो क्या होगा, टोटल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, डेटा रह गया, टेबल जो था वो गायब हो गया, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग का ही हिस्सा था, ठीक है, फॉर्मेटिंग में बॉर्डर करके बनाया था, और जो लाल पीला हरा किया था वो भी गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लियर कंटेंट, ठीक है, फॉर्मेटिंग तो रह जाए लेकिन डेटा डिलीट हो जाए, तो फॉर्मेटिंग रह गया, डेटा डिलीट हो गया। फिर मैं यहाँ पे आके कर दूंगा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैं आऊँगा, उसके बाद क्या है, क्लियर कमेंट, ठीक है। मान लीजिए मैं इसमें कुछ इंसर्ट कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर इसमें राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट करता हूँ, इसमें कुछ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब डिलीट करना होगा कमेंट को, तो क्या मैं बारी बारी से डिलीट करूँगा, दो ठो कमेंट है, मैं बारी बारी से डिलीट कर दूंगा, लेकिन 100 कमेंट होगा तो क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, आऊँगा यहाँ पे, फिर क्या करूँगा, क्लियर कमेंट क्लिक कर दूंगा, कमेंट टोटल डिलीट हो गया है, देखिए। तो यही है डिलीट का मतलब, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैं वेबसाइट लिखता हूँ, www.acment.com, ठीक है। अब ये वेबसाइट बन गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट ओपन होगा, पर है नहीं इंटरनेट तो कुछ ओपन नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लियर पे आता हूँ और कर देता हूँ क्लियर हाइपरलिंक, क्लिक कर दिया, हाइपरलिंक जो है क्लियर हो गया। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं खुलेगा, ठीक है। अब क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे आके, तो क्या होगा, फॉर्मेटिंग को भी क्लियर कर देगा, जो ये कुछ कलरफुल है वो क्लिक कर दूंगा तो ये कलरफुल गायब हो गया, ठीक है। तो क्लियर वाला ख़त्म हो गया, बाकी कोई दिक्कत किसी को, 38 मिनट हो रहा है, इसको भी बता दूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बता देता हूँ। चलिए जी, जैसे मान लीजिए क्या क्या है देखता हूँ पहले मैं, इसमें फॉर्मेट एज ए टेबल, फॉर्मेट एज ए टेबल थोड़ी देर में देख लेंगे, या फिर इसको ही पहले देख लेते हैं, नेम क्लास रोल अंडर स्कोर नंबर, ठीक है, इसको इतना सेलेक्ट करूँगा इतना, और फिर क्या करूँगा, फॉर्मेट एज ए टेबल, इसमें जो फॉर्मेट मुझे पसंद आएगा उस पर क्लिक कर दूंगा माई टेबल हैज हेडर, ऊपर में हेडर ये देख लीजिए, क्लिक कर दिया, फिर कंट्रोल जेड मारता हूँ, फिर से मैं आता हूँ इस पर क्लिक कर देता हूँ, फिर इसमें आया, कर दिया ओके। अब देखिए फिर से कर दिया, मैं लगता है उस बार सेलेक्ट नहीं किया था,
किया था सेलेक्ट, मुझे याद नहीं, इस पे क्लिक मैं करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा पहला जो कॉलम था उसी को हेडिंग के रूप में ले लिया हो, जब हेडर वाला ऑप्शन में सेलेक्ट किया तो, ठीक है। तो ये टेबल के रूप में जो है इसको इधर खींचूंगा तो ये टेबल बन जाएगा, यहाँ आके टैप 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 क्लिक करूंगा तो और टेबल के रूप में इंसर्ट हो जाएगा, प्रीव्यू देखूंगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए मर्ज ये नहीं होगा, ठीक है, ये मर्ज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टेबल के डिजाइनिंग में जाएंगे, एक्सपोर्ट, बाकी कुछ कुछ होगा इसमें, कन्वर्ट रेंज, रेंज कन्वर्ट होगा, डुप्लीकेट रिमूव होगा, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन डुप्लीकेशन वगैरह को हम लोग देख लेंगे आगे, ठीक है। और टोटल रो, तो टोटल रो यहाँ पे दिखा देगा, ये देख लीजिए। बेंडेड रो करेंगे तो ये देखिए गायब हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल रो जीरो है। ये देखिए हो गया, अब तीन ठो में टोटल भर दिया तो यहाँ पे तीन ठो रो टोटल आ गया, ठीक है। तो यही सब है इसका, बाकी तो इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश, रिफ्रेश आल कर देंगे तो डेटा फिर से रिफ्रेश करेगा। इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये बोल्ड हो रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो लास्ट कॉलम भी खत्म हो जाएगा, बोल्ड नहीं होगा। रो हेडर पे क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएगा, टोटल रो पे क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, बेंडेड रो पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यही है, क्विक स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो क्विक थोड़ा सा स्टाइल बनेगा इस तरह का, ठीक है। टेबल का नाम चाहे तो दे सकते हैं, रिसाइज टेबल करेंगे तो यहाँ से रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, ऐसे हो गया रिसाइज, हो गया। तो यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू नॉर्मल अरेंज टेबल, यस कर दिया तो ये नॉर्मल रूप से टेबल अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो यही है, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है, ये टेबल नॉर्मल रूप से अब आ गया, ठीक है। प्रीव्यू करेंगे तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, सब टोटल कंट्रोल अप एरो फिर लेफ्ट ऐसे करूंगा, क्लियर पे आऊंगा, ऑल क्लियर पे क्लिक कर दूंगा, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लाइनिंग किस लिए आ गया, हम लोग थोड़े दिन में, ठीक है, पेज लेआउट में पढ़ लेंगे या प्रिंटिंग वगैरह करने लगेंगे तो पेज सेटअप हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो फिर से बची गया, अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आते हैं इसमें क्या क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि कुछ शर्तों के आधार पर फॉर्मेट करो, ठीक है, यही है कंडीशन फॉर्मेट का मतलब। अब इस वाले पहले वाले पे क्लिक करूंगा तो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, इस पे क्लिक किया, अब बोल रहा हूँ 10 या फिर 100, ठीक है। अगर 100 से बड़ा हो तो क्या करो, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग्स वगैरह है, या कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करूंगा तो इसमें लंबा चौड़ा आ जाएगा, बोल्ड कर दो और जो जो चाहेंगे हो जाएगा, फॉन्ट वगैरह फिल इफेक्ट में ये कर दो, ठीक है, कर दो ओके, कर दो ओके, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1000 करूँगा तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन 100 करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 करूँगा 100 में कुछ नहीं होगा, 101 करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन में जो है फॉर्मेट होगा, ठीक है। वैसे ये लेस देन में फॉर्मेट करेगा, ठीक है। रूल को मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले, ठीक है, अब क्लियर हो गया वो। अब फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ए लेस देन में, जैसे ग्रेटर देन में हुआ था वैसे लेस देन में होगा, ठीक है। बिटवीन में क्लिक करूंगा तो क्या होगा, दोनों के बीच वाला आएगा, ठीक है। मान लीजिए दस से लेकर के 50 तक अगर है तो क्या करो, यही फॉर्मेट कर दो, ओके पे क्लिक कर दिया, कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्या कर दिया, 40 कर दिया तो ये फॉर्मेट आ गया, लेकिन 10 कर दूंगा तो फॉर्मेट आ जाएगा, 50 कर दूंगा तो फॉर्मेट आ जाएगा, लेकिन 51 कर दूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यही जो है फॉर्मेटिंग है कंडीशनल।
क्लियर रूल कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आऊँगा और यहाँ पे आऊँगा बिटवीन, बिटवीन इक्वल में क्लिक करूँगा तो क्या होगा, बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं पी अगर है लिखा तो क्या कर दो, रेड डार्क, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह में ये पी हम लोग करेंगे, ये देखिए पी कर दिया तो ये आ गया, ए कर दिया तो हट गया, पी करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ए करने से भी कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, फिर यहाँ से कर देंगे ए, अगर ए है तो क्या कर दो, ग्रीन कर दो, ठीक है, ए आ गया। अब यहाँ से ए करूँगा, ये देखिए ग्रीन आ गया, पी करूँगा तो ये आ गया, ठीक है। हम लोग अटेंडेंस वगैरह के लिए बनाएंगे इसमें ना, तो फिर इस फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैनेज रूल पे जाएंगे तो दो ठो रूल्स हमने अप्लाई लागू किया है इसमें, देखिए वो दिख रहा है। एडिट करेंगे तो यहाँ से एडिटिंग वगैरह का आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, उसके आधार पे सेल वैल्यू इक्वल हो तो ये कर लो, ठीक है। बिटवीन हो तो क्या, नॉट बिटवीन हो तो क्या, नॉट इक्वल टू हो तो क्या, नॉट इक्वल टू हो तो क्या, यहाँ पे कंडीशन के आधार पे ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, सारे रूल्स जो है डिलीट कर दूंगा यहाँ से। इस पे मैं आया, डिलीट रूल, फिर डिलीट रूल कर दिया, ओके, तो ये नॉर्मल हो गया। डिलीट रूल मैं कैसे किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, मैनेज रूल में आया था और यहाँ पे ऑप्शन आया था रूल डिलीट करने का, ठीक है। फिर से आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेट में, यहाँ पे वही है, टेक्स्ट दैट कंटेंस, ये टेक्स्ट कंटेन था कि ये टेक्स्ट हो तो क्या करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए डेट ऑक्यूरेसी, एक्यूरेसी या कुछ है, ठीक है। अब हमको उतना अंग्रेजी आता नहीं है, टुडे है, टुडे है तो क्या करो, यस्टरडे है तो क्या करो, ठीक है, दिस मंथ, ठीक, मैं टुडे पे क्लिक करता हूँ, अगर टुडे है तो क्या कर दो, रीडिटेक्ट कर दो, ठीक, डिलीट मारा, ठीक है। आज का डेट इंसर्ट करना है तो क्या करूँगा, ये देखिए इंसर्ट कर दिया तो ऐसा आ गया, लेकिन क्या कर दूंगा, ये इसको कर दूंगा 22, तो ये देखिए ऐसा आ गया, ठीक है, फॉर्मेटिंग खत्म हो गया। डेट मैं कैसे इंसर्ट किया था, यहाँ पे आया, कर दिया कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन वाला बटन पे क्लिक, तो ये आ गया था, ठीक है। वही कंट्रोल और शिफ्ट दबा के फिर सेमी कॉलन वाला बटन पे क्लिक कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं, इसको हटाऊं मैं तब मैं फालतू के, यस एनओटी CTRL प्लस ये, CTRL प्लस ये दबाऊंगा तो आ जाएगा डेट, ठीक है, DAT और फिर कंट्रोल CTRL प्लस SHIFT प्लस कंट्रोल शिफ्ट के बाद दबा के अगर वो बटन दबाऊंगा तो ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आता है, ठीक है। आप यही लिख लो या ये लिख लो, जो मन करे वो लिख लो, ठीक है, ये साइन ही मैं लिखता हूँ, ठीक है। शिफ्ट दबाने के बाद क्या है कि यही साइन आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट दबाने के बाद ये साइन आता है, लेकिन मैं यही रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, TIME टाइम इंसर्ट होगा एक्सेल में, ठीक है, ठीक ना, याद हो गया आप लोगों को। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन डेट का है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन टाइम का है, ठीक। बड़ा कर दूं, आप तो दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन डेट आ गया, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन टाइम आ गया, ठीक है। तो यही है इसका शॉर्टकट, क्लियर ऑल पे क्लिक कर दिया मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, यही है डेट वगैरह के लिए। डुप्लीकेट वैल्यूज है तो क्या करो, जैसे मान लो डुप्लीकेट वैल्यू है, 10 है, 20 है, 10 है, 50 है, 60 है, 40 है, फिर यहाँ पे 50 कर दिया, ठीक है। अब इन सब में सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट है, ठीक है, अगर डुप्लीकेट है तो क्या करो, कर दो रेड रेड पूरा, डुप्लीकेट है तो, ठीक है, रेड बॉर्डर भी कर दो तो ऐसा रेड बॉर्डर आ जाएगा उसमें। यूनिक वैल्यू अगर है तो क्या करो, अगर यूनिक पे करना चाहता हूँ कि यूनिक जो है वो रेड हो जाए,
तो 60 और 40 यूनिक है, 50 रिपीट है, इसलिए 50 में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। डुप्लीकेट पे करूँगा तो ये देख लिया आ गया, यूनिक के जगह पे डुप्लीकेट करूँगा ना, ये देखिए जो डुप्लीकेट था वो रीड हो गया, ठीक है। तो यही सब फॉर्मेटिंग है इसमें कंडीशंस वगैरह के आधार पे, ठीक है। तो इसमें तो दिक्कत है नहीं, मोर रूल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और आएगा, ठीक है। फॉर्मेट ऑल सेल बेस वैल्यूज, ठीक है, सेल के वैल्यूज के आधार पे होगा, लोअर वैल्यूज है, हायर वैल्यूज है तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला है सेल का वैल्यू, यहाँ पे आप देंगे, ठीक है, कि ब्लैंक हो तो क्या होना चाहिए, सेल का वैल्यू होगा ग्रेटर होगा तो यहाँ पे लिख दो क्या होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू होगा तो क्या होगा, सारा रूल्स यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ से बताया था इस ये वाला से, ठीक है। तो ये वाला तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया, ये बॉटम वाले पे जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसमें और करता हूँ 10 एंटर 5 एंटर 3, ठीक, सेलेक्ट किया, फॉर्मेट्स इसमें आऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेट यहाँ पे कर दूंगा, टॉप 10 आइटम्स, ठीक है। जैसे टॉप का 10 आइटम अगर हाईलाइट करना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 10 की जगह पे आप 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 कर दिया तो 3 हाईलाइट हो गया सबसे टॉप वाला, ठीक है। 5 कर दूंगा तो 5 ये देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। 2 कर दूंगा तो टॉप 2 हो जाएगा, ठीक है, जैसे टॉप का ये है 2 50 और 60, ठीक है, तो टॉप 2 वगैरह का हाईलाइट वगैरह करने के लिए दिया है, ठीक है। वैसे ये टॉप 10% के आधार पे, ये बॉटम 10 है, बॉटम 10 मतलब टॉप 10 में क्या होता है, सबसे हायर 10 वैल्यू को दो, ठीक है, और बॉटम 10 में क्या होगा, सबसे लोएस्ट 10 वैल्यूज दो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो ये देखिए 3 5 10, ठीक है, ये 10 जो है 3 है 5 है, ये नीचे का ये लोएस्ट 3 वैल्यूज है, ठीक है, वही है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, मोर रूल्स पे करूंगा तो यही डायलॉग फिर से आ जाएगा, देखिए रैंक के आधार पे अब बोल रहा है, ठीक है, टॉप 10 में है तो क्या होना चाहिए, ठीक है, बॉटम में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे करके फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करोगे और फिर ये फॉर्मेट यहाँ पे दे दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें डेटाबेस बार्स, इस तरह का बार बनाना है अगर तो, ठीक है। बार से मुझे याद आ रहा है, ये शब्द मैं मूवी में सुना था, मूवी में सुना था मैं ये बार, ठीक। खैर छोड़िए, ये देखिए इस पे क्लिक कर दिया तो देखिए ऐसा कंडीशंस आ गया, ठीक है, 50 इतना होता है, 60 इतना है, 50 इतना है, 40 इतना है, इतना है, ठीक है, इस हिसाब से बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा चीज़ है, दुनिया का सबसे आसान काम यही होगा मेरे को लगता है। ये देखिए सॉलिड बार चाहिए तो ऐसा बना लो, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो ये नंबरिंग के आधार पे बार सार हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, या फिर ध्यान से देखना पड़ेगा, बार रहेगा तो पता चल जाएगा इससे ये कम है और ये जो है इससे कम है, ये सबसे कम है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, बाकी ऊपर से, ठीक है। तो ये आपका बार्स वगैरह बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो न्यू रूल्स में क्लिक करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, फॉर्मेटेड बेस, क्या कलर होना चाहिए, कलर वगैरह आप यहाँ से बदलेंगे, ठीक है, वही सब है। बाकी ये देखिए रेड में आ गया ना, तो यही सब है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। मोर रूल्स, ठीक है, 2 कलर में होगा, 3 कलर में होगा, क्या होगा, सो बार्स ओनली में क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा कुछ भी, ठीक है, ये देखिए गायब हो गया टोटल। बार्स, मोर रूल्स, ठीक है, ऑटोमेटिक, जैसे ही मैं टाइप करूँ वैसे ही हो जाए ऑटोमेटिक, मिनिमम है मैक्सिमम है, ठीक है, वैल्यू भी ऑटोमेटिक लेगा, सॉलिड होना चाहिए या ग्रेडियंट होना चाहिए, ये मैं कर दूंगा तो इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है।
ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। मैं राइट टू लेफ्ट कर दूंगा तो ऐसे बदल जाएगा, ये देखिए ऐसे आ गया। तो यही सब है, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है कुछ खास, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में शायद आ रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड पूरा कलर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमने अप्लाई किया है, पहले इस बार को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर रूल्स में हटा देता हूँ इसको, अब दोबारा बार्स में लाता हूँ ये वाला, ये देखिए। तो ये पूरा कलर कोड कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ठीक ना, देख लो जैसा। उसके बाद ये आइकन है, मुझे ये टावर वाला पसंद है बढ़िया, ये देख लीजिए। इसमें एक एक पॉइंट, ये देखिए ये आइकन सेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये टावर वर लग जाएगा, सबसे ज़्यादा ये है ज़्यादा, ठीक है। तो उस वैसे ही लग गया जो है, ठीक है, नेटवर्क का सिग्नल जैसा। और भी इसमें है जो आपको चाहिए, ये देख लीजिए, जो चाहिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये देख लीजिए। 40 वाला थोड़ा वार्निंग दे रहा है, 10 5 3 ही कौन चपड़गंजू है। और इधर राइट का चेंज आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिग्नल वगैरह दे रहा है, ठीक है। तो यही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में, ठीक है। आप इसमें ये देख सकते हो कि कौन कितना काम किया, ठीक है। जैसे मान लो आपने इम्प्लॉय रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ उसका काम का परसेंटेज में है, ठीक है। तो इसको आप चार्ट बार्स वगैरह में लगा दोगे, ठीक है, या आइकन दिखा दोगे कुछ, ठीक है, तो पता चलेगा तुमने इतना काम किया, तुमने इतना काम किया, और तुमने कुछ नहीं किया, बैठ के खाली मुफ्त का रोटी तोड़ा, ठीक है। यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बड़ा आसान काम है ना, हाँ, पता नहीं, मतलब आपको डाउट है अभी कि आसान काम है या नहीं है। ये देखिए दो ठो रूल्स लागू है, डिलीट कर दूंगा इस रूल्स को, डिलीट करना चाहिए तो एडिट क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यहाँ से आप खुद का भी कुछ रूल्स बना सकते हैं इस पर क्लिक करके, यूजर डिफाइंड फार्मूला, ठीक है। एक दो ठो मैं अभी बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 डाला, 50 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 5 डाला, 7 डाला, 10 डाला, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरा मर्जी ये है कि इस वाले में, ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, वो हाईलाइट हो जाए। इस वाले में जो सबसे मैक्सिमम है वो हाईलाइट हो जाए। इस वाले में से जो सबसे मैक्सिमम है वो हाईलाइट हो जाए। तो क्या मैं करूंगा, मैं इस यहां पे करके पहले दिखा दे रहा हूं, इक्वल टू का सबसे पहले साइन दूंगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन दूंगा, फिर कर दूंगा MAX, ठीक है। फिर टोटल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको क्लिक करूंगा, कर दूंगा एंटर, ये आ गया फाल्स, ठीक है। कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ये ट्रू आ गया। फिर इस पर क्लिक किया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए ए से लेकर के सी तक है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही पेस्ट किया ना, तो बी को और डी को ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें फिक्स क्या है, तो ये 1 है 2 है, ये तो फिक्स रहेगा ना प्रत्येक रो के लिए, लेकिन ए बी सी डी जो है वो बदल जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके कर दूंगा F4, ठीक। F4 दबाया तो सबको ये फिक्स कर दिया, मतलब डॉलर साइन देने से फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया, इसको हटा दिया और यहां पे आ गया, इसको क्या कर दिया, फिक्स ऐसे,
ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ? डॉलर फिक्स मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, चलिए गलत होगा तो देखा जाएगा आगे पीछे, क्यों ए लीजिए, ओ मतलब मैं सही ही लिखा है, देखिए तो यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है, इसी को कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, पेस्ट पेस्ट, ठीक है, फिर पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया तो ऐसा आ गया, ठीक है, खींचूंगा इसको पकड़ के, ऐसे भी पकड़ के खींच लूंगा तो क्या हो गया, ये देखिए, अब जहां जहां ट्रू है, ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर है, बड़ा नंबर है, जैसे 10 जो है, 50 है और 30 है, ठीक है, तो ये 50 वाला बड़ा है तो इसमें ट्रू आ गया है, तो यहाँ पे मतलब हाईलाइट हो जाएगा, इसमें से इसमें से इसमें से ये वाला है, ठीक है, इसको मान लो कर देता हूं मैं इतना, तो ये देखिए ये ट्रू हो गया ना, तो इसी तरीके से हम फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक। अब इसी को मैं क्या करता हूं, कंट्रोल एक्स दबाता हूं यहां से और इन सबको कर दूंगा डिलीट, फिर करूंगा क्या, इन सबको करूंगा सिलेक्ट, फॉर्मेट इसमें आऊंगा, न्यू रूल्स में आऊंगा, इसमें आऊंगा और यहां पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, आप सीधा यहां भी लिख सकते हो, मैं तो यहां ही लिखता पर आपको समझ में शायद नहीं आता तो इसीलिए मैं वैसे लिख दिया, ठीक है, रेड कर दिया, कर दिया ओके, चलो भाई क्या बात है यार, ये तो सच में हाईलाइट कर दिया, हेलो, तो ये वाला हो गया, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, ये यूजर डिफाइन, खुद से आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो ये समझ में आ गया नहीं आया, प्रैक्टिकल आप लोग करना, ठीक है, तो फिर और भी समझ में आ जाएगा, इसी को थोड़ा सा मैं बदल दूंगा ना तो ये मैक्सिमम काउंट करने लगेगा, ठीक, कैसे, अरे मैक्सिमम तो कर ही रहा है, मिनिमम को बताने लगेगा, ठीक है, मैनेज रूल पे जाऊंगा, ये देखिए रूल बना है ना, इसमें कर दूंगा एडिट, ठीक है, और बस मैक्स की जगह पे मीन कर देता हूं मैं, एम आई एन, ठीक है, कर दिया ओके, कर दिया, कर दिया ओके, तो ये बोल रहा है मिनिमम को काउंट कर रहा है, ठीक है, मतलब कम, मिनिमम माने कम, ठीक है, टू कर दिया, ये देखिए मिनिमम को काउंट कर रहा है, तो मिनिमम को फॉर्मेटिंग करना है तो ऐसे आप कर लोगे, ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ गया, आप खुद से भी बना ही सकते हो कुछ फंक्शंस वगैरह, ठीक है, एक और देख लेते हैं आखिरी, ठीक है, जैसे मान लीजिए रोल नंबर, ठीक है, और नेम क्लास, ठीक है, यहां पे एक डालूंगा, यहां पे कर दूंगा सुमित, क्लास में डीसीए, ठीक है, यहां पे टू डालूंगा, टैब मारूंगा, अमित लिखूंगा, फिर टैब मारूंगा, फिर यहां पे पी जी डी सी ए लिख दिया, क्या लिखा हूं, डी सी ए हो गया, अब एंटर दबाऊंगा तो सीधा मेरा आ जाएगा रोल नंबर वाले पे, ठीक है, तो इस तरह से आप काम करते हो तो इस तरह से आप स्पीडली काम कर सकते हो, ठीक है, थ्री डालूंगा, टैब मारूंगा, और क्या डाल लिखू, नाम बताओ, नाम बताओ, एक आठो मुझे दो ही ठो याद है, क्या सिर नहीं पता, रमेश लिख दो, रमेश स्पेलिंग सही है, टैब मारूंगा, क्लास डीसीए कर दिया, फिर एंटर मारूंगा तो यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है, अब क्या करूंगा, यहां पे लिख देता हूं मैं रोल अंडर स्कोर एनओ, यहां पे रोल नंबर डालूंगा मैं यहां पे, ठीक, इसको मैं कर देता हूं हटा के ऐसे, ठीक, मैं यहां पे डालूंगा रोल नंबर, वो वाला स्टूडेंट इधर हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है, बड़ा आसान काम है, तो आप लोग भी कर लोगे, छोड़ दूं कर लोगे क्या, इसमें करना क्या होगा, खाली मैच करना होगा, ठीक है, कि यहां वाला डेटा इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैच करेगा तो आप लोग कर लोगे ना, कि बता दूं, इसको मैं बता दे रहा हूं, फिर कुछ टास्क मैं आप लोग को दूंगा तो आप करना, ठीक, ठीक है, टेंशन नहीं लो, आज टास्क नहीं दे रहा हूं किसी को, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाऊंगा, ठीक है, न्यू रूल्स पे क्लिक कर दूंगा, यहां पे आ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहां लिखूं या फिर यहां लिख करके फिर यहां कॉपी पेस्ट करूंगा,
कहीं पे लिख दूं? तो यहां पे लिख करके यहां पे करूं पेस्ट या फिर कैसे? यहां पे सीधा डायरेक्टली यहीं लिखना शुरू करूं, समझ में आ जाएगा? डायरेक्टली लिखना शुरू करूं? चलिए जी, इस पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक। अब ये सेल जो है कभी नहीं बदलेगा, E1 होगा, ठीक। तो E को भी यहां पे डॉलर का साइन देकर फिक्स किया और 1 को भी फिक्स कर दिया। अब इक्वल टू ए वाला, ठीक। इसमें क्या होगा कि ए वाला तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है हटा दूंगा, ठीक, ऐसे कर दूंगा और कर दूंगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में कर दूंगा कि रेड कलर में फिल हो जाए, बॉर्डर भी कुछ आ जाए। चलिए जी, बॉर्डर में ला देता हूँ, बॉर्डर भी आ जाए। फॉन्ट में क्या हो, बोल्ड आ जाए। फॉन्ट का कलर क्या हो, रेड में वाइट रहेगा तो अच्छा लगेगा। कर देता हूँ इसको ओके। नहीं हुआ कुछ, हो जाओ भाई, ये तो मजा नहीं आया। मैं कुछ और कर रहा था, ये कुछ और हो गया, पता नहीं यार, भूला गया। मैनेज रूल पे जा, सही कहा। मैडम का फोन आ रहा है, रुको थोड़ा। तो मैं फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो गया, ठीक है। मैं शायद गलत सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये वाला है, इसमें मैं करूँगा एडिट, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, ओह नो, डिलीट, ठीक। आ जाता हूँ मैं इधर, ठीक है, आ जाइए। ये वाला जो है ना, ये वाला फिक्स रहेगा, ठीक है। चेयर वर दो, खाली उधर बैठिए, ठीक है। ये वाला तो फिक्स रहेगा, बदलेगा ये वाला, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करूंगा, लेकिन पहले इसको सिलेक्ट तो कर लूं, इस वाले को सिलेक्ट हुआ, यहां पे दे दूंगा इक्वल टू का साइन, ठीक है। फिर दूंगा इसमें, ठीक, ये वाला हो जाएगा। और ये जो दो है ना, इसको मैं हटा दूंगा ऐसे, ठीक। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ये है, ठीक, इसको मैं चुपचाप सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कर लूंगा इसको कॉपी, ठीक। अब मुझे इस फॉर्मूले का जरूरत नहीं है, डिलीट मारूंगा ऐसे, कैंसल, सेलेक्ट करूंगा मैं इसको, ठीक है, कर दूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहां पे आ जाऊंगा, न्यू रूल्स, ठीक है, यूज खुद का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, कर दूंगा पेस्ट, ठीक है ना, गलत होगा तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। फिल में रेड ले लूंगा मैं, ठीक है, बॉर्डर नहीं करता हूं। फॉन्ट का कलर मैं क्या ले लेता हूं, वाइट, ठीक, कर दिया ओके, कर देता हूं मैं ओके। ये देखिए, मैनेज एडिट रूल, ये देख लीजिए, गलत कर दिया फॉर्मूला। ए टू से लेना है ना हमको, तो ए टू कर दूंगा, कर दूंगा ओके ओके। अब देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। यहां पे दो मैं सिलेक्ट करूंगा तो दूसरा नंबर स्टूडेंट यहां पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। थ्री पे क्लिक करूंगा तो तीसरा नंबर स्टूडेंट हाईलाइट होगा। वन पे क्लिक कर दूंगा तो वन नंबर हो जाएगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई इस पे भी हुआ है, ठीक है। इस अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैनेज रूल पे आऊंगा, डिलीट ओके, ठीक, इसका मुझे जरूरत नहीं है, ठीक। ये रोल नंबर है, यहां पे रोल नंबर टाइप करूंगा, वन वन आ गया, ठीक है। यहां पे टू करूंगा तो टू आ जाएगा, थ्री पे क्लिक कर दूंगा तो तीन वाला हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेटिंग, बड़ा आसान काम है, सब लोग कर लोगे, बड़े आसानी से कर लोगे। दुनिया का सबसे काम आसान यही है, एटीएम से पैसा निकालना और इस फॉर्मेटिंग को तैयार करना, दोनों बराबर है, ठीक है। तो बन जाएगा किसी को कोई डाउट, तो यूजर डिफाइंड कंडीशन फॉर्मेटिंग आप इस तरह से अप्लाई कर लोगे, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अन्यथा मैं क्लास बंद कर दूंगा आज यही। ये देखिए हो रहा है ना हाईलाइट, तो जितना भी एक बताया ना अभी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे तो मुझे दोष मत देना, ठीक।
ठीक है, क्लियर है सबको? पीछे सब क्लियर? बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि ये सारा, ये होम मेन्यूज तो खत्म हो गया ना, कोई कुछ बाकी है? होम खत्म, पेस्ट स्पेशल हो गया, सारा हमने पढ़ लिया, बॉर्डर पढ़ लिया, जनरल फॉर्मेटिंग सारा खत्म। कल से इंसर्ट को देख लेंगे, फिर पेज लेआउट, फिर फॉर्मूला, डेटा, बाकी जितना बचेगा सब पढ़ लेंगे। ठीक ठीक, चलिए बंद कर दो। ये तो अब भी बोल रहा है कि रिस्टार्ट करूंगा, इसको क्या लग रहा है कि ना भैया मत अभी रिस्टार्ट करो।